हाय एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज एक नॉर्मल देसी साइकिल का ब्रेक रबर कैसे बदलते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बदल के दिखाएंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो की एंड तक जरूर बने रहिए, वीडियो की स्किप मत करना, स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, पहले हम ये पुरानी वाली जो ब्रेक रबर है इसको हम खोल लेंगे। ये ब्रेक शू को खोल के हम इसका अंदर जो ख़राब ब्रेक रबर लगा हुआ है उसको हम निकाल लेंगे। निकालने का बाद हम इसमें नया ब्रेक रबर हम लगाएंगे। तो गाइस, बिल्कुल कम खर्चे में आपका ब्रेक को कैसे आप नया जैसा बना सकते हो वो आपको हमारी एक ही वीडियो पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको कुल मिलाकर इसमें 2 रुपया खर्च आते हैं, 2 से 3 रुपया आपको खर्च आते हैं, 2 से 3 रुपया खर्च करके आप नया ब्रेक बना सकते हो। ये हमारा ब्रेक रबर बिल्कुल ख़राब हो गया, ये देख लीजिए, टूट भी गया। अब हम इसको बदलेंगे। बदलने के लिए हमें पहला इसको खोल लेना है। खोलने के लिए दोस्तों, एक लोहे का ऊपर रख के हथौड़ा मारना है। ऐसे ही हमने जैसे हथौड़ा मार रहा है बिल्कुल आपको वैसे ही हथौड़ा मारना है। तो गाइस, ये देख लीजिए, हथौड़ा मार के हमने ब्रेक रबर को निकाल दिया। जो टूटा हुआ खराब ब्रेक का रबर है, रबर को हम देख लीजिए कैसे निकाल दिया। अब हम ये दोनों ब्रेक शू को हमने अच्छी तरह सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए हमें टायर लेवर की ज़रूरत है। टायर लेवर देख लीजिए कैसे हम लगा के इसको हथौड़ा मार के बिल्कुल इसको टेढ़ा रहते हैं उसको सीधा कर लेंगे। तो टेढ़ा रहने जब टेढ़ा रहेगा तो इसका अंदर आपका ब्रेक रबर नहीं घुसेगा, इसीलिए हमें थोड़ा इसको सीधा कर लेना है। सीधा हमने कर रहा है दोस्तों, ये टायर लेवर है, टायर खोलने वाला जो रिवर है लेवर है उसी से हम दोनों को बराबर सीधा कर लिया। अब हम इसमें रबर लगाएंगे। ये दोनों SN कंपनी का रबर हमने ले लिया, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसका रबर बहुत ही अच्छे है, आप इसको खरीद सकते हो। ये आपको 3 रुपये में 2 मिल जाएगा और आपको 3 रुपये में ही आपका ब्रेक बिल्कुल पावरफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रबर को थोड़ा बैठाना है इसलिए हम पीछे का साइड को थोड़ा घिस लेंगे। तो दोस्तों, घिसने के लिए हमें रेती वाला पेपर चाहिए। रेती वाला पेपर से हम देख लीजिए कैसे घिस रहा है। हम इसको एक एक करके दोनों को घिस लेंगे। तो दोस्तों, घिसने का बाद हमने ये रबर लगाएंगे। लगा के हम हथौड़ा मार के ये ब्रेक का जो शू है शू को अच्छी तरह हम बैठा देंगे, क्योंकि इसको ढीला छोड़ दोगे तो दोस्तों आप जब ब्रेक दबाओगे आपका रबर खोल के बाहर निकल जाएगा। इसीलिए ये रबर का जो शू है शू को हमें अच्छी तरह रबर की साथ इसको बैठा देना है। तो दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल पर नई है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करना है। हम साइकिल रिलेटेड की नई नई वीडियो लाते रहेंगे। हमारी चैनल पर आपको साइकिल रिलेटेड की वीडियो मिलते रहेगा। इलेक्ट्रिक साइकिल, साइकिल मॉडिफाई, साइकिल मैकेनिकल, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक साइकिल, फुल नॉलेज का साथ आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, रबर हमने बैठा दिया। बैठा के इसको भी हम अच्छी तरह हथौड़ा मार के शू को हम चिपक देंगे। तो दोस्तों, हमने जैसे हथौड़ा मार रहा है आपको भी बिल्कुल वैसे ही हथौड़ा मारना है। मार के ये शू को अच्छी तरह बैठा देना है रबर के साथ, जो रबर खुलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों,
आप ये देख लीजिए, एशियन कंपनी का ये रबर है। ये दोनों रबर हमारा बैठाना बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम इसको साइकिल में फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों आप देखते रहिए, ये देसी साइकिल है, 20 इंची का लेडीज साइकिल, एक गर्ल्स वाली साइकिल है दोस्तों। ये साइकिल में हम ये ब्रेक रबर को हम लगा रहे। तो दोस्तों ये शू का जो नट है, नट का नट को हमने वो जो ब्रेक का जो चिमटा है गाइस, जो ब्रेक चिमटा के अंदर हमने ब्रेक शू को लगा के अच्छी तरह नट को हम कस देंगे। कसने का बाद हमारी जो ब्रेक का जो चिमटा है गाइस, ब्रेक यू, उसको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करके ये ब्रेक रबर को हम फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए हमें 9 नंबर के स्पैनर की ज़रूरत है। ये देख लीजिए, ये हमारा प्लस है। प्लस की मदद से थोड़ा क्लिप को हमने ऊपर की तरफ उठा दिया, क्योंकि इसको बिल्कुल बीच में रखना है। वो जो ब्रेक यू है, ब्रेक यू का बिल्कुल बीच में रहना है क्लिप। तो दोस्तों हमने ये ब्रेक क्लिप को हमने अच्छी तरह थोड़ा कस देते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसीलिए हमको दबा के अंदर की तरफ रख के इसको अच्छी तरह हम कस देंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्लिप को अच्छी तरह कस रहे हैं अंदर की तरफ, इसको दबा के रख के। आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। और दोस्तों ये जो ब्रेक शू है, ब्रेक शू का रबर बिल्कुल आपका जो साइकिल का रिम है, रिम का बीच में रहना चाहिए। ये साइड हो जाएगा तो दोस्तों आपका साइकिल का ब्रेक ये अच्छा नहीं पकड़ेगा और आपकी रबर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो आपका साइकिल का रिम है, रिम का बिल्कुल बीच में आपका ब्रेक रबर रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये ब्रेक क्लिप को हम अंदर की तरफ दबा के रख के इसको कस रहे। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखोगे तो दोस्तों आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ध्यान से नहीं देखोगे, वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमारी वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर देखना है। ये कितने का प्राइस है, ये कहाँ मिलते हैं, वो भी हम वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे। आप हमारी वीडियो का साथ बने रहिए। ये ब्रेक देख लीजिए कितना अच्छा ये काम करेगा, वो हम फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। थोड़ा ऑयल भी दे देना है, क्योंकि ऑयल दे दोगे तो आपका ब्रेक स्मूथली काम करेगा, नहीं तो ये स्मूथली काम नहीं करेगा। जब दबा के रखोगे तो चिपक के रिम का साथ बैठ जाएगा। इसीलिए ये दोनों ब्रेक शू का जो ब्रेक यू का जो जेई पे आपका ब्रेक का शू लगा हुआ है, ब्रेक क्लिप लगा हुआ है, वहीं पे आपको थोड़ा थोड़ा करके ऑयल दे देना है। तो दोस्तों ये हमारा रिम का अंदर ज़्यादा घुस गया, थोड़ा बाहर की तरफ हमने निकाल दिया। बिल्कुल रिम का बीच में रहना चाहिए, ज़्यादा अंदर चला जाएगा तो दोस्तों आपका रिम का जो तिल्ली लगा हुआ रहता है, तिल्ली में आपका ब्रेक शू अटक जाएगा, तब भी आपका ब्रेक शू टूट जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, रिम का बाहर भी नहीं आना चाहिए और आपका साइकिल का जो तिल्ली है, तिल्ली का साथ भी नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों जो अभी तक हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी वीडियो देखने का बाद वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट एक कर देना है प्यारा सा। तो दोस्तों ये ब्रेक यू को हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर ले लिया। स्क्रू ड्राइवर लेके हम दोनों शू का अंदर से हम बराबर लगा दिया। लगा के नीचे का तरफ हमने थोड़ा प्रेस करेंगे। प्रेस करके जो ब्रेक लॉक लगा हुआ है उसको हम कस देंगे।
तो दोस्तों उसको कसने से पहले हमें वो जो ब्रेक का छोटा वाला एक तार रहते हैं हैंडल के साथ, उसको खींच के अंदर की तरफ रखना है। तो दोस्तों रख के हम प्लास की मदद से इसको अच्छी तरह कस देते हैं। कसने का बाद हम ये ब्रेक को दबा के आपको दिखाएंगे जो कितना पावरफुल ब्रेक हमारा बन गया। आप अपना साइकिल का भी ब्रेक को पावरफुल आप बना सकते हो घर में बैठ के ही। कोई मैकेनिक के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक हथौड़ा लेना है और एक 9 नंबर की टूल्स लेना है। तो दोस्तों कोई भी शॉप में आपको मिल जाएगा ब्रेक रबर, आपको 3 रुपये में 2 ब्रेक रबर मिल जाएगा। और आप ब्रेक शू रबर एक साथ लेने चाहते हो तो दोस्तों एक जोड़ा आपको मिल जाएगा 12 रुपये में, 10 से 12 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा ब्रेक रबर लगाना कंप्लीट हो गया। अब हम ये पहिया को घुमा के आपको दिखा रहा है ब्रेक दबा के। तो दोस्तों फाइनली हमारा ब्रेक शू में ब्रेक रबर लगाना कंप्लीट हो गया। हमने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया जो ब्रेक शू का अंदर ब्रेक रबर कैसे फिटिंग करके साइकिल में फिट करते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए ब्रेक रबर NS कंपनी का बहुत ही अच्छा ब्रेक रबर है। तो दोस्तों आप भी किसी भी साइकिल का शॉप में आपको मिल जाएगा, जही पे आपका स्पेयर पार्ट्स मिलेगा वही पे ही आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।